नमस्ते फ्रेंड्स, आज भी मैं कुछ किचन टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये एक रेसिपी पहले मैं दिखा रही हूँ जो परवल और आलू का सूखा मसाला भाजी में बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई ली हूँ, उसमें 2-3 बड़े चम्मच जैसा सरसों का तेल दी हूँ। सरसों का तेल को अच्छे से गर्म कर लेना चाहिए ताकि जो कुकिंग हम करते हैं या जो भाजी या सब्जी बनाते हैं उसका टेस्ट अच्छा आता है। तेल जब अच्छे से गर्म हो गया, पंचफोरन और सूखा लाल मिर्च देने के बाद इस तरह बड़े बड़े लंबे लंबे में कटिंग हुए जो आलू में रखी थी धो के उसको पहले दे दी हूँ, और थोड़ा सा 1 मिनट तक आलू को पहले फ्राई कर लूँगी। उसके बाद में परवल को वैसे ही लंबे लंबे में कटिंग की हूँ उसको दे रही हूँ। थोड़ा ज़्यादा भाजी में बना रही हूँ आज। इस तरह देखिए, पहले मैं नमक और हल्दी नहीं मिलाई हूँ, तेल में अच्छे से थोड़ा मिला के ढक्कन दे दी हूँ 2 मिनट, ताकि उसका जो कच्चा पानी है वो थोड़ा सा निकल आए। उसके बाद मैं नमक स्वाद अनुसार और हल्दी मिलाई हूँ, क्योंकि जब वो सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा कम जैसा लगता है, उसी क्वांटिटी को देखते हुए हम नमक मिलाना चाहिए। और नमक हल्दी मिलाने के बाद ही फिर से 2 मिनट में ढक दी थी। इसी तरह ये जो सूखा वाला भाजी को मैं ढक ढक के यानी कि अच्छे से बिना पानी मिलाए बनाई हूँ। और ये टिप्स मैं बता रही हूँ, जब थोड़ा सा 2-3 मिनट तक अच्छे से मैं ढक्कन देने के बाद ढक्कन हटाई, उसी टाइम में प्याज आप जितना डाल सकते हैं, मैं 1 कटोरी जैसा प्याज लंबे लंबे में कटिंग की थी उसको मिलाई हूँ। और प्याज को मिलाने के बाद ऐसे ही 8-10 कलियाँ लहसुन को कूट के रखी थी उसको मिलाई हूँ। ये ऐसे कच्चा मिलाने से हम बीच में मिलाना है, फ्राई नहीं करना है। उसका टेस्ट, भाजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आप लोग ये टिप्स को ज़रूर फॉलो करना। और जब अच्छे से मिला ली, थोड़ा सा ढक्कन भी दे दी थी, उसके बाद सूखा मसाला 2 छोटे चम्मच जैसा धनिया पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 1 बड़ा चम्मच, और सब्जी मसाला या भाजी मसाला आपके पास जो अवेलेबल हो, मैं वही पाउडर मसाला दे दी हूँ क्वांटिटी को देखते हुए, और सबको मिला दे रही हूँ। ये जो भाजी है मैं लास्ट में ज़रूरत हुआ तो थोड़ा सा आधा कप जैसा पानी मिलाई थी, पर आपको ज़रूरत नहीं, थोड़ा मीडियम से लो करके फ्लेम को ढक्कन दे के बनाएंगे तो अच्छा बनता है। इस तरह देखिए, आधा से ज़्यादा ये बॉयल हो गया यानी कि भाजी बन गया है। अभी मैं थोड़ा मिला के चेक कर लूँगी ये आलू और परवल कितना तक और भाजी यानी कि बॉयल होने को है। आलू को अच्छे से चेक कर ली हूँ, वो 90% तक हो गया है। जो कुटा में मैं लहसुन कूटी थी उसमें 1/2 कप से कम पानी थोड़ा मिला के मैं दे दी हूँ, ताकि और जो थोड़ा सा बचा है बॉयल होने को वो हो जाएगा। ढक्कन दे दी हूँ 1 मिनट, और ढक्कन हटा के फिर से उसको ऐसे ही फैला दे रही हूँ कढ़ाई के चारों तरफ, और खुला छोड़ दूँगी लास्ट 2 से 3 मिनट। फ्लेम को मीडियम से थोड़ा लो कर लूँगी, और ऐसे खुला छोड़ने से वो अच्छे से कड़क फ्राई बन जाता है और भाजी मेरा हो गया है। और ये टिप्स फॉलो करना चाहिए, जब लोहे की कढ़ाई में कुछ भी भाजी या सब्जी हम बनाते हैं, सब्जी जब बन जाता है तुरंत हम निकाल के और कुछ जगह में ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए, नहीं तो वो जगह में यानी कि लोहे की कढ़ाई में रह जाएगा तो कुछ देर के बाद उसमें एक लोहे जैसा स्वाद आ जाता है। इसलिए मैं तुरंत निकाल के और एक पैन में रख ली हूँ। और वीडियो के साथ प्लीज़ बने रहिए, लास्ट में ये लोहे की कढ़ाई का कैसे मैं क्लीन करती हूँ दिखाऊंगी, और भी 2 क्लीनिंग हैक्स है, प्लीज़ बने रहिए। और अच्छे से इस तरह मैं खुला रखूँगी, थोड़ा सा भाप जैसे निकल जाएगा उसके बाद ढक्कन दे दूँगी। इस तरह अच्छे से भाजी हो गया है।
अभी मैं क्लीनिंग टिप्स यानी कि क्लीनिंग हैक्स शुरू कर रही हूँ। ये मैं जो नींबू फ्रीज में रखी थी वो सूखा हो गया है, उसको नहीं फेंकना है। सूखा नींबू को इस तरह मैं यूज़ कर लेती हूँ। किचन में सभी तरह का क्लीनिंग के लिए नींबू बहुत काम में आता है। आज मैं ये मेरा जो स्टील का पतला वाला कढ़ाई, उसमें मैं जल्दबाजी में थोड़ा चीनी कैरमलाइज कर ली थी। वो चीनी तो जल गया, कैरमलाइज जो हो गया वो ऐसे चिपक के ज़्यादा जलने जैसा दाग रह गया है। ये जिद्दी जला हुआ दाग को मैं साफ करूँगी। पहले हाफ नींबू में ले ली हूँ, उसके साथ एक छोटे चम्मच डिश वॉश लिक्विड, हाफ ग्लास पानी, एक दो उबाल दे दूँगी, उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर लूँगी। और इस तरह देखिए जब बॉयल हो रहा है, मैं इस तरह खुरच खुरच रही हूँ, यानी कि थोड़ा सा उसको इस तरह करने से जो हम करची यूज़ करते हैं डोसा वगैरह पलटने के लिए, उससे मैं इस तरह कर रही हूँ ताकि ऊपर को जो दाग है वो थोड़ा गुनगुना पानी के साथ निकल आए। वो भी अच्छे से निकल आ रहा था और कुछ भी मेरा साफ हो गया था। इस तरह देखिए गर्म टाइम में थोड़ा गुनगुना टाइम में करें तो अच्छे से साफ हो जाता है। और इस तरह देखिए इतना तक साफ हो गया है। अभी मैं ये जो पानी को जो साफ कर रही हूँ उसको साइड में कर लूँगी और थोड़ा सा जो तार वाला स्क्रबर आता है उसमें मैं साफ करूँगी ताकि और जो जिद्दी दाग है वो भी साफ हो जाए। इस तरह देखिए ऊपर का जो लेयर है जिद्दी वाला वो थोड़ा साफ हो गया है और नीचे जो थोड़ा सा दाग है इस स्क्रबर से थोड़ा हल्का हल्का घिसना है। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड की हूँ पर ज़्यादा रगड़ रगड़ के करने से ये स्टील की कढ़ाई में ये जो स्क्रबर का भी एक स्क्रैच वाला दाग आ जाता है। अब थोड़ा हल्का हल्का जो जगह पे दाग है उसी जगह को थोड़ा घिसने से वो भी निकल आता है। इस तरह देखिए और भी कुछ मेरा साफ हो गया है। ये क्या होता है मैं टिप्स आप लोगों को बता रही हूँ। घर में सभी चीज़ है, ये जो फ्रिज हम साफ कर लिए हैं, कुछ नींबू निकल आया वो हम क्या करते हैं, ऐसे काम का चीज़ नहीं है, फेंक देते हैं। चाहो तो कुछ हम क्लीनिंग लिक्विड हम बना सकते हैं पर आज में मेरा ये काम था, लोहे की कढ़ाई को साफ करना था और ये स्टील कढ़ाई में मेरा ज़्यादा जला हुआ दाग था और कुछ तांबे की बर्तन था जो मैं पानी थोड़ा पीने के लिए रखती हूँ उसको साफ करने के लिए मैं यूज़ की हूँ और जो साफ की हूँ उसी वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। घर में जो भी चीज़ है हम उसे हमारा बहुत सारे जो दाग धब्बे दूर कर सकते हैं, किचन के जो बर्तन है और क्लीनिंग भी कर सकते हैं। और इस तरह देखिए मेरा स्टील की कढ़ाई अच्छे से साफ हो गया है। देखिए और ये स्टील की कढ़ाई के बारे में मैं एक चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ, ये जो पतला वाला स्टील की कढ़ाई है उसके नीचे कुछ भी कोटिंग नहीं है, बहुत पतला है। उसको आप कुछ आटा गूंदने के लिए या कुछ हम सब्जी बना लिए उसके बाद जगह चेंज करने के लिए यूज़ करने से अच्छा होता है। कोटिंग वाला या तले में जो थोड़ा हेवी वाला कढ़ाई वो कैरमलाइज या कुकिंग के लिए अच्छा होता है। और ये जो तांबे की जो लोटा है पानी हम भर के रखते हैं वो नींबू नमक मिला के घिस के में, उसका भी ढक्कन है एक, उस दोनों चीज़ तांबे का है। इस तरह नींबू नमक घिस के में कुछ देर रख लूँगी, 15 से 20 मिनट ऐसे छोड़ देने के बाद धोलने से वो अच्छे से जो ऊपर का जो पानी का दाग और कुछ रह जाता है दाग वो साफ हो जाता है। ये आप एक हफ्ते में और 15 दिन के अंदर भी कर लेना चाहिए। मैं बीच बीच में ऐसे कर लेती हूँ और जो स्टील की कढ़ाई साफ की वो ऐसे बॉयल करके पानी नींबू और कुछ आप चाहो तो उसमें विनेगर भी डाल सकते हैं, लिक्विड डिश वॉश भी डाल सकते हैं। स्टील की बर्तन ऐसे हो सकता है पर ये तांबे वाला स्पेशली नींबू और नमक से बहुत अच्छा साफ हो जाता है। इस तरह देखिए ये भी हो गया है।
और अभी मैं आप लोगों को मेरा जो लोहे वाला कढ़ाई का क्लीनिंग दिखाऊंगी। ये एक तरीका देखिए, मेरा ये अचार का जो बॉटल है नीचे कुछ अचार बच गया था और ख़राब हो गया है, और वो तो खट्टा की चीज़ है, खट्टाई वाला, ये जो फेंकने की बजाय मैं उसको क्या की, ये जो कढ़ाई के अंदर इस तरह अच्छे से फैला के 15 से 20 मिनट छोड़ दी हूँ। ये अचार ख़राब हो गया था, ऐसे ही थोड़ा सा था, एक बड़े चम्मच से ज़्यादा थोड़ा सा था मैं, और 20 मिनट के बाद अभी देखिए उसको अच्छे से वही जो अचार के साथ स्क्रबर में घिस घिस के थोड़ा मैं उसको फैला दूंगी। और ज़ोरों से घिसने से क्या होता है, उसका जो ऊपर में तेल चिकनाहट लोहे की कढ़ाई में जम जाता है वो साफ़ हो जाता है। ये देखिए जो नींबू हम सूखा फेंकने के बजाय साफ कर लिए, और ये अचार थोड़ा सा बच गया था उसमें भी ये लोहे की चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको साफ करके यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब हम सब्जी बना लेते हैं ये लोहे की कढ़ाई में हल्दी मसाले की दाग तेल के साथ जम के रह जाता है। नेक्स्ट जब हम कुकिंग करते हैं वो वाला जो लिक्विड यानी कि जो उसमें है वो नया वाला कुछ कुकिंग में निकल के मिल जाता है। तो थोड़ा हमको हाइजीनिक मेंटेन करना चाहिए, साफ़ सफाई के बारे में ध्यान रखना चाहिए। लोहे की चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो बीच बीच में अच्छे से डीप क्लीनिंग भी करना चाहिए। आपको लगे कि जिद्दी दाग हो गया है तो 1 वीक के अंदर इस तरह आप साफ़ कर लें तो अच्छा होता है, और ये मेंटेन होके रहता है, चीज़ नॉनस्टिकी रहता है, ज़्यादा जो हम भाजी या कुछ सब्जी बनाते हैं चिपकता नहीं है। और अच्छे से साफ कर रगड़ के मैं नींबू नमक भी बीच में ले थोड़ा सा मिला के घिस ली थी, इस तरह साफ हो गया है। अचार के साथ भी आप साफ कर सकते हैं, जो खट्टा चीज़ है ये लोहे की चीज़ अच्छे से साफ हो जाता है। नीचे वाला पार्ट ऐसे ही काला रहता है पर मैं थोड़ा रगड़ के भी चिकनाहट साफ कर ली हूँ। और ये लोहे की कढ़ाई को साफ करने के बाद उसमें पानी नहीं रहना चाहिए, तुरंत साफ करने के बाद आप कॉटन कपड़ा में पोछा लगा लीजिए और 1 से 2 ड्रॉप सरसों का तेल इस तरह फैला के रखने से नेक्स्ट कुकिंग के लिए वो रेडी रहता है। घर में जो भी चीज़ है उसको हम वेस्ट ना करके साफ़ सफाई में यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक शेयर के साथ कमेंट कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।